नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे स्टॉक जिनमें दोस्तों आप ट्रेड करके कर सकते हैं अपना बड़ा मुनाफा। इन स्टॉक्स में दोस्तों ऐसे कौन से पैटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं जिनसे हमें लग रहा है कि इन अगर पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर आप इन स्टॉक में ट्रेड बनाएंगे तो आपको मुनाफा जरूर होगा, चाहे मार्केट की डायरेक्शन कहीं पे भी हो दोस्तों, बट ये स्टॉक दोस्तों अपने ही डायरेक्शन में चलेंगे। और ये डायरेक्शन जो आपको लेनी है दोस्तों वो लेनी है टेक्निकल चार्ट से। तो ऐसे कौन से इसमें पैटर्न है उनके बारे में बात करेंगे और ये पैटर्न दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा भी। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आती तो वीडियो को डिसलाइक भी जरूर करिएगा और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे लेके जाऊंगा और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं चार्ट एनालिसिस, ये लोगो हमारी पहचान है, इसको जाके जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे स्टॉक थे जो मैंने आपको आज के दिन रिकमेंड करे थे। पहला जो स्टॉक था दोस्तों वो था अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट हमने आपको जब रिकमेंड करा था, जब इसका रेट चला था 404 रुपए के आसपास था और इसमें कैसेल हमें देखने को मिला। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, अंबुजा सीमेंट के चार्ट पे लेके जाऊंगा। वैसे इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो कल के दिन बनाने वाला हूं कि जब आपका किसी स्टॉक में एसएल कटे तो एसएल कटने के बाद आप किस तरीके से उस पर ट्रेड बना के वहां से अपना लॉस भी कवर कर सकते हैं और एक बड़ा प्रॉफिट वहां से जनरेट कर सकते हैं। वैसे इस टॉपिक के ऊपर कल मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तो कल के दिन दोस्तों ये वीडियो मिस मत करिएगा, काफी स्पेशल वीडियो है। तो मैं ज्यादा समय नहीं खराब करूंगा, लेके जाऊंगा यहाँ पे अंबुजा सीमेंट के चार्ट पे। तो ये देखिएगा दोस्तों कि हमने कल के दिन आपको अंबुजा सीमेंट रिकमेंड करा था, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिला था जिसको बोलते हैं दोस्तों बीरिश एरहमी। और बीरिश एरहमी के हिसाब से हमें एक सेलिंग हमें देखने को मिली थी, कल इसने 398 का लो बना दिया था। आज इसने अवर्ली यानी कि 4 अवर्ली चार्ट पे इसने एक पैटर्न बनाया था दोस्तों जिसको हम बोलते हैं बेरिश एरहमी पैटर्न। सेम वो 4 अवर्ली चार्ट पे देखने को मिला था बट उसका एसएल कट गया था। बट एसएल कटने के बाद भी यानी कि मार्केट जो है 409 रुपए के आसपास जाके भी 401 रुपए का इसने क्या लो बना दिया। रीजन क्या था दोस्तों, रीजन आपको बताना चाहूंगा, रीजन उसका था डबल टॉप। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि फर्स्ट टॉप जो बना था दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट टॉप देखने को मिला था, उसके बाद एक बॉटम देखने को मिला और फिर से दोस्तों इसने क्या करा, एक नया हाई बनाया। तो इसको हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। साथ साथ हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखाई दिए थे जिसकी वजह से दोस्तों क्या करा, इसने 409 रुपए के ऊपर का हाई बना के वापिस दोस्तों 401 रुपए के आसपास आ गया। इस टॉपिक के ऊपर कल मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं और वो वीडियो गलती से भी दोस्तों मिस मत करना, क्योंकि उस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कई बार ऐसा हुआ आपका कि आपका स्टॉप लॉस कटा और स्टॉप लॉस कटने के बाद दोस्तों आपका टारगेट आ गया, वही चीज दोस्तों मैं कल की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और ऐसा अगर आपके साथ होता है तो दोस्तों कल की वीडियो जरूर देखिएगा। और अंबुजा सीमेंट जो है इसने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया था जिसकी वजह से दोस्तों इसमें टारगेट आया। अब मैं वैसे कहना चाहूंगा कि अंबुजा सीमेंट के बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है उसके बारे में दोस्तों बताना चाहूंगा, वो था दोस्तों बेल। बेल में भी दोस्तों हमने आपको बताया था कि पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं और बेल के लिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए भी बताना चाहूंगा कि बेल में आपको किस तरीके से ट्रेड बनाना है। तो मैं डायरेक्टली बेल के चार्ट पे जाता हूं और यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो जब हमने आपको बेल रिकमेंड करा था तब इसका रेट जो चल रहा था दोस्तों यहां पे देखेंगे 184.25 था, 184.25 रुपए के आसपास था जब हमने आपको बोला था कि भैया बेल में ट्रिपल टॉप पैटर्न बन गया है, बच के रहिएगा, अब इसमें गिरावट आ सकती है। और मार्केट आज पॉजिटिव था, फिर भी दोस्तों यहां पे अगर हम देखते हैं बेल ने आज इंट्राडे में लो बनाया है, वो बनाया 182 का, वहां से अच्छी खासी गिरावट इसमें देखने को मिली है, 1% के आसपास की गिरावट आपको यहां पे देखने को मिल गई, 1% से ज्यादा की गिरावट। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसके यहां पे डेली के चार्ट पे जाता हूं और डेली के चार्ट पे ही हम यहां पे समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा क्यों लगा कि दोस्तों इसमें गिरावट आ सकती है, रीजन समझिएगा दोस्तों कि पहले तो ये जो एरिया है ये पूरा क्या है, कंसोलिडेशन वाला एरिया है। वैसे हमने बेल को पहले भी आपको शॉर्ट कराया था बट हमारा उसमें एसएल कट गया था। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि एक तो पूरा कंसोलिडेशन एरिया है और नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पहला रीजन तो दोस्तों ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये है कि यहाँ पे फर्स्ट टॉप बना है, यहाँ पे सेकंड टॉप बना है और यहाँ पे थर्ड टॉप बन चुका है।
तो ये जो थर्ड टॉप बना है उसका इंपैक्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और आज भी दोस्तों हमें एक बीरिश कैंडल देखने को मिली है, तो जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि अब इसमें गिरावट संभव है। और यहाँ पे ट्रिपल टॉप के साथ साथ यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बेल का जो टारगेट है, मुझे जो लग रहा है आने वाले समय में, वो बहुत जल्दी दोस्तों पहला टारगेट 177 का है और दूसरा टारगेट हमें 165 का दिखाई दे रहा है। तो मैं लिख देता हूँ 177 का पहला टारगेट है दोस्तों किसमें, बेल में, और दूसरे टारगेट की बात करूं दोस्तों वो है 165 का। तो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट आपको बहुत जल्दी बेल में दिखाई दे सकते हैं। तो कहना चाहूंगा हमारा जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आप हमारे बताए गए किसी स्टॉक में कोई ट्रेड बनाते हैं या फिर इंडेक्स में कोई ट्रेड बनाते हैं तो वो रिस्क आपका अपना है, तो प्रॉफिट भी आपका है और नुकसान भी दोस्तों आप ही का है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, अब बेल के बाद तीसरा जो स्टॉक आपको बताना चाहूंगा, यानी कि जो मैंने आपको रिकमेंड करा था वो था सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल में वैसे यहां पे कहना चाहूंगा कि बेरिश रैली के साथ साथ इसमें ओपन हाई सेम भी था, बट मैं यहां पे दोस्तों सेंचुरी टेक्सटाइल के चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और यहां पे आपको समझाना चाहूंगा। देखिए मैं क्या करता हूं, टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन के साथ चलता हूं, टाइम फ्रेम का, यानी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम से हम बड़े टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे अवर्ली चार्ट लगाया और यहाँ पे हमने 4 अवर्ली चार्ट लगाया और यहाँ पे हमने लगा दिया डेली चार्ट। अब देखेंगे दोस्तों डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली क्या करा इसने सेंचुरी टेक्सटाइल ने, ये एक रेंज में चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक रेंज में चल रहा है और रेंज में चल रहा है और साथ साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, ये अब जो लाइन है यानी कि EMA जो है अब वो SMA के नीचे भी आ चुकी है और यहाँ पे भी डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं। और साथ साथ देखा ना जाएगा तो यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि ये जो स्टॉक है काफी तेजी से नीचे गिर सकता है। तो हमने जिस रेट पे आपको रिकमेंड करा था वहीं पे दोस्तों इसने क्लोजिंग करी है। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा सेंचुरी टेक्सटाइल को भी अपनी रडार में जरूर रखिएगा। अगर मैं इसके बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट पे जाऊं यानी कि वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे डोजी के साथ दोस्तों ये क्या है, क्लोज करा है। अब नेक्स्ट वीक में देखते हैं ये किस तरीके से परफॉर्म करेगा। अब मैं आपको अगला स्टॉक जो दिखाना चाहूंगा दोस्तों वो है हैवेल्स। हैवेल्स में अगर हम देखेंगे तो हमने 1156 रुपए के आसपास आपको बोला था सेलिंग करने के लिए, क्योंकि पैटर्न बना था इसमें बेरिश हैरामी। जो हैवेल्स है उसके बारे में कहना चाहूंगा दोस्तों यहां पे, अब मैं इसके चार्ट पे ले जाना चाहूंगा, चार्ट पे आपको समझाना चाहूंगा। देखिए मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि कई लोग क्या करते हैं, वो मार्केट की डायरेक्शन में अपने ट्रेड बनाते हैं। मार्केट पॉजिटिव है तो मैं बाय कर लेता हूं, मार्केट नेगेटिव है तो मैं सेल कर लेता हूं, मार्केट पॉजिटिव है तो मैं ये शेयर खरीद लूंगा तो मुझे लग रहा है कि आज मुझे मुनाफा बन जाएगा। बट कई बार होता है कि मार्केट की डायरेक्शन कोई होती है, स्टॉक दूसरी डायरेक्शन में चल रहा होता है। ऐसा ही दोस्तों हैवेल्स में हमें आज देखने को मिला है। तो हैवेल्स के चार्ट पे जाएंगे और यहां पे समझेंगे। तो हैवेल्स में हमें यहां पे इस जगह पे देखते हैं तो बेरिश हैरामी पैटर्न हमें इस जगह पे क्या था, दिखाई दिया था। अब बेरिश हैरामी हमें पैटर्न जब दिखाई दिया था तब हमारा रेट था 1156 रुपए के आसपास, जो हमने इंट्राडे में आपको बोला था कि पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। और इसने जो क्लोजिंग करी है दोस्तों वो करी है 1143 की, और आज मार्केट पॉजिटिव था यानी कि निफ्टी आज पॉजिटिव थी, उसके बावजूद भी क्या है ये स्टॉक नीचे गिरा है। अब कहना चाहूंगा कि आने वाले समय पे क्या कर सकते हैं, आने वाले टाइम पे इसका क्या टारगेट हो सकता है, तो कहना चाहूंगा कि आने वाले समय पे इसका जो टारगेट है वो 1120 रुपए के आसपास का टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है। तो 1120 रुपए के लिए आप क्या कर सकते हैं, हैवेल्स में भी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं, या फिर आप पुट खरीद सकते हैं, या फिर आप इसकी कॉल राइटिंग कर सकते हैं, चाहे तो दोस्तों आप इक्विटी में पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर में सेल कर सकते हैं। वो दोस्तों आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, अपने हिसाब से आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है दोस्तों 1120 ये जल्दी दिखाई दे सकता है। साथ साथ अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अवर्ली के साथ साथ इस जगह पे अगर मैं देखूं तो 4 अवर्ली का चार्ट देखूंगा, तो 4 अवर्ली के चार्ट पे भी हमें इस जगह पे बेरिश हैरामी दिखाई दे रहा है। और ये जो बेरिश हैरामी है, पिक्चर परफेक्ट बेरिश हैरामी है, इसको पिक्चर परफेक्ट बोलते हैं, जो बिल्कुल सेंटर में बना हुआ होता है। देखिए क्या है कि ये हम यहाँ पे देखेंगे कि एक मोरोबुजो कैंडल थी और साथ में दोस्तों ये बेरिश कैंडल बनी है। और आज यानी कि कल का जो लो है, जो कि 1138 रुपए के आसपास का लो है, अगर वो कल ब्रेक होता है यानी कि मंडे के दिन, फिर तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो गैप है, ये जो गैप है पूरी तरीके से फिल हो जाएगा, फिर तो 1110 रुपए का ये जो गैप है वो फिल कर सकता है। तो आपको हैवेल्स में भी अपनी पोजीशन जो है मंडे के दिन रखनी पड़ेगी, अपनी पैनी नजर हैवेल्स में जो रखिएगा। साथ साथ अब मैं अगला स्टॉक आपको बताना चाहूंगा वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील मैंने आपको आज रिकमेंड करा था 1283 रुपए पे, 1283 पे बोला था भाई टाटा स्टील में अपनी पोजीशन आप देख सकते हैं, सेल कर सकते हैं, डबल टॉप भी है, साथ साथ नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है। तो यहाँ पे हम टाटा स्टील के चार्ट पे जाएंगे। टाटा स्टील और हैवेल्स को स्पेशली मैंने थंबनेल में भी लिखा हुआ है, उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये दोनों स्टॉक मेरी रडार में है और मुझे लग रहा है कि गिरावट आएगी, इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्यों, क्या रीजन है, चेक करेंगे।
देखो दो तीन रीजन है। अब मैं वही है मल्टी टाइम फ्रेम की बात करता हूँ। मल्टी टाइम फ्रेम बेसिकली क्या है, छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम की तरफ जाना जिसमें प्रॉफिट को राइड कर सके। अब यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे कि एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है टाटा स्टील में, और शूटिंग स्टार के बाद अगर हम देखते हैं तो उसके हिसाब से 1270 के नीचे 1270 के नीचे इसमें क्या सेलिंग की पोजीशन बनती है। बट वहीं पे अगर मैं इसके बड़े टाइम फ्रेम की तरफ जाऊं जैसे कि फोर अवर्ली चार्ट या फिर डेली की तरफ जाऊं, तो यहां पे मैं फोर अवर्ली चार्ट आपके सामने लगा देता हूं। तो फोर अवर्ली चार्ट में मुझे पिक्चर परफेक्ट डबल टॉप दिख रहा है, और 1283 पे मैंने पोजीशन अपनी शॉर्ट भी करी हुई है और साथ साथ नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो और इवनिंग स्टार के साथ इसने क्या लास्ट कैंडल इवनिंग स्टार थी, आज बेरिश कैंडल है। तो अगर मंडे के दिन, वैसे सेलिंग में मैं अभी भी हूं, अगर मंडे के दिन ये आपको 1277 के नीचे जाता है जो आज का लो है, तो दोस्तों फिर आप इसमें अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। और अगर मैं डेली चार्ट जाऊं तो डेली के चार्ट पे तो दोस्तों यहां पे देखेंगे तो स्मॉल डबल टॉप पैटर्न हमें यहां पे दिखाई भी दे रहा है। तो टाटा स्टील मुझे लग रहा है कि एक अच्छा कैंडिडेट है जिसमें पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं, बट 1277 के नीचे, 1277 के नीचे। अब मुझे पता है कल को मान लो मंडे को गैप अप ओपन हो गया, 10-15 पॉइंट ऊपर हो गया, तो मुझे पता है गालियां भी बहुत अच्छी पड़ने वाली है, क्योंकि आप ये तो सुनेंगे नहीं मैंने ये बोला कि 1277 के नीचे पोजीशन शॉर्ट बनानी है, आप ये देख लेंगे मैंने बस सेल बोल दिया। देखिए आप सुने तो ढंग से सुनिए। अब क्या हुआ कि काफी लोगों ने मेरे को निफ्टी के लिए ट्रॉल किया। अब मेरे को एक चीज बताइए, अगर आप के अंदर दिमाग है जो ट्रॉलर्स हैं उनके, उनसे मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि यार मैंने निफ्टी शॉर्ट कराई थी 15,950 के आसपास, जिसमें लोग ना 15,575 रुपए का, अगर आप देखेंगे तो वहां से 400 पॉइंट की गिरावट आई। ठीक है, तब तो आपका कोई मैसेज नहीं था। फिर मैंने बस वहां पे बोल दिया कि मुझे 450 तक लग रहा है, मतलब वहां से भी मेरा जो टारगेट था वो 100-125 पॉइंट से रह गया था, और नेक्स्ट डे मार्केट 100 पॉइंट के साथ गैप अप ओपन हो गया। अब 100 पॉइंट के साथ गैप अप ओपन हो गया तो वहां से मैंने फिर बाय करा दिया। मैंने कहा नहीं जी मैं सेल में नहीं हूं, बाई में हूं, क्योंकि भैया जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है उस तरह से बाइंग बनती है इसमें। अब उसके बाद भी आप ट्रॉल कर रहे हो कि आप तो सेल पे थे। अरे भाई सेल में था, अब बाय में हूं, क्या हो गया, मार्केट है। अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं बाइंग में और आपको लग रहा है ये बाइंग नहीं, मुझे लग रहा है नीचे जा सकता है, तो क्या करेंगे आप, जिद्दी होकर बैठ जाएंगे? नहीं जी नहीं मैं तो बाय में हूं तो बाय करके बैठूंगा। आप अपनी पोजीशन काटेंगे, आप सेल में कन्वर्ट करेंगे अपनी पोजीशन। तो देखिए क्या है ना, भी आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिस्ट बनना पड़ता है। आप एक ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग क्या होता है, कई बार आप सही भी होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं। कई भी आप सही हैं तो इतना ज्यादा सही हो जाते हैं मार्केट में, ज्यादा पैसा कमाते हैं। कई बार आप सही होते हैं तब आप भी मार्केट से थोड़ा पैसा निकाल के बाहर हो जाते हैं। तो इन दोनों टाइप के ट्रेडर्स में फर्क होता है दोस्तों। तो यहां पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि ट्रॉल करने से पहले थोड़ा सा आप समझ तो लीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे खुद के जो सब्सक्राइबर्स हैं, कई लोगों ने कल के दिन पैसा कमाया निफ्टी बाय करके भी, और उन्होंने भी प्रॉफिट की जो शीट है यानी कि प्रॉफिट की जो फिगर है वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते हैं, और वो जेन्युइन है दोस्तों, वो मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं। तो खैर वो कोई बात नहीं, ये चीजें तो पार्ट है, अगर आप कितना भी अच्छा काम करेंगे कोई ना कोई तो आपको ट्रॉल करेगा ही। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, अगला जो स्टॉक है वैसे अंबुजा सीमेंट का ही था, तो यहां पे कहना चाहूंगा दो तीन स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड करे थे, अभी इनकी में आप ट्रेड बना सकते हैं। बाकी कल के दिन के वीडियो का वेट जरूर करिएगा, क्योंकि स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं। अब यहां पे दोस्तों मैं क्या करता हूं, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको भी इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in, वहां पे जाके यूजर आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, ओटीपी पासवर्ड आएगा, वहां से आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 8,000 रुपए। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलिट वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई और साइकोलॉजी सीखने को मिलेगी। साथ साथ कहना चाहूंगा हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है, ऑप्शन का कोर्स भी आप ले सकते हैं, जिसकी फीस 11,000 रुपए है। और कहना चाहूंगा दोस्तों टेक्निकल और ऑप्शन के बाद आपकी जो मास्टरी ट्रेडिंग में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये जो कोर्स है प्रोडक्शन हाउस से शूट कराया हुआ, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको बताना चाहूंगा। इसमें एक तो हमारा आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ये देखिए प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, कितने सारे मैसेजेस हम अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे करते हैं। तो एक तरीके से दोस्तों ये टिप्स का ही काम करता है। तो अगर आप हमारी वीडियोस देख लेते हैं और हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाते हैं दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं कि आप अच्छे खासा पैसा कमा पाएंगे इस चीज को, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। दूसरा दोस्तों लर्निंग के साथ अर्निंग का भी काम करेगा। और दोस्तों संडे को हमारा वेबिनार भी होता है, हर संडे हम वेबिनार करते हैं, और जिसमें आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज हैं दोस्तों, हम आपके सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट वीक की भी स्ट्रेटजी हम आपके साथ बनवाते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीक में किस तरीके से ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। थर्ड दोस्तों आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे कॉल करिए एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब ये नहीं है रात को 2 बजे कॉल करें, कहने का मतलब दोस्तों मेरा है कि कभी भी कॉल करिए और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा, मेरे से ही आपकी बात होगी।
और व्हाट्सएप के थ्रू भी दोस्तों आप अपनी क्वेरी मेरे से सॉल्व करवा सकते हैं, कोई भी डाउट है मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों मैं मीटअप भी करता हूँ, बीच बीच में आप मेरे से मिल भी सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कहना चाहूंगा कि 8,000 रुपए देके आपको इतनी सारी सर्विसेज मिल जाएगी, और चाहे तो आप हमारा टेक्निकल और ऑप्शन का कोर्स भी परचेस कर सकते हैं जो कि 17,000 का है, और ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। वीडियो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा नीचे दो ब्रोकर के लिंक है, एक है दोस्तों एंजल ब्रोकिंग, दूसरा है चॉइस। दोनों में से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तो संडे का वेबिनार मैं आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो साथ साथ कहना चाहूंगा हमारा जो मुंबई में वर्कशॉप है जो कि 11th और 12th सितंबर को होने वाला है, उसकी डिटेल मैं जल्दी ही दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको आज ही दोस्तों पोस्ट कर दूंगा, और उसके बाद आप चाहे तो वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।